फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन की चर्चा करेंगे जो कि अप्रैल महीने की घटनाओं पर आधारित है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने भोपाल गैस त्रासदी को विश्व की बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना है? तो यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी बोलते हैं। और UPPCS जो लोग देंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या कहते हैं, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइनेट है। तो कहीं कहीं आइसोसाइनाइनेट है, कहीं कहीं आइसोसाइनाइड भी मिलता है। तो दोनों विकल्प में ध्यान रखिएगा, जो भी रहे आप लगा सकते हैं उसको। और जहां पर जो है 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ईयर याद रखिएगा ये 1984 है। और नेक्स्ट न्यूज है, 16 अप्रैल 2019 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस सूचकांक में कुल 169 देशों को शामिल किया गया था, 169, ठीक है। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत 135वें स्थान पर नहीं था, भारत जो है 140वें स्थान पर है, और नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त भी हुआ है। और एक बात आपको और बता दें कि लगभग जितनी भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो विश्व प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक हो या खुशहाली जो है प्रसन्नता सूचकांक हो, इन सब में नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, ये सब डेनमार्क नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड वगैरह ये टॉप पे रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर कहीं भी जो है, अगर आपको विकल्प ना समझ में आए, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर माइनस मार्किंग नहीं है, तो वहां पे इस तरह से आप जो है नॉर्वे को या फिनलैंड को या क्या कहते हैं नीदरलैंड वगैरह है, तो आप विकल्प में लगा सकते हैं, सही लगा सकते हैं। और इसमें 169 देश नहीं है, इसमें जो है टोटल जो शामिल देश हैं 180 देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। और जो बेहद महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ, जो आप जानते होंगे नॉन स्टेट नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, जिसको कहते हैं गैर राज्य की अभिकर्ता या अभिकारक, तो उसी को एनजीओ बोलते हैं, और इसी को गैर सरकारी संगठन भी बोलते हैं। और संगठन प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है, ठीक है, कि मतलब कि रैंकिंग प्रदान करता है, जैसे भारत को यहाँ पर जो है 140 स्थान पर प्रदान किया गया है। और एक चीज और है कि ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है, और संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की स्थिति भी प्राप्त है। और नेक्स्ट है, दिल्ली के पर्यावरण समूह क्लाइमेट ट्रेंड्स की पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014 से 2019 रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पर ये कानपुर है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में नामांकित शहरों के चुने हुए नेताओं की वायु प्रदूषण से निपटने में कार्रवाई के आधार पर स्थिति निर्धारित की गई है। तो एक्चुअली ये वहाँ की नेताओं को बेस बना करके कि वहाँ पर जो भी जैसे मान लीजिए किसी का संसदीय क्षेत्र है, तो वो वहाँ पर कितना कारगर है अपने यहाँ पे जो है पर्यावरण समस्या को लेकर के। और यहाँ पे एक और भी चीज है कि विश्व संगठन की 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में से 14 भारत में है, जिसमें से 4 जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। और नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2019 को किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग के लिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो ये निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र है, जो कि तेलंगाना राज्य में है। और नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में जनगणना 2021 के लिए 2 दिवसीय डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है कि जनगणना 2021 ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो कि जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी ने इसके बारे में जानकारी दी। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी, और प्रथम दशकीय नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि दशकीय और नियमित जनगणना, दशकीय मतलब कैसे,
ये एक जनगणना तो पहले 1872 में हो गई थी, तो ये 1872 में जो हुई थी ये नियमित नहीं थी, ये वैसे ही हो गई थी, टेम्प्रोरी हो गई थी। उसके बाद में 81 के बाद में फिर लगातार 91, क्या कहते हैं, 81 में जो है 10 साल और जोड़ोगे तो 91 आ जाएगा, फिर 2001, है ना, फिर ऐसे ही करके जो है ये जनगणना हुई थी। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसमें जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली, श्री सी चंद्रमौली थे। और नेक्स्ट न्यूज जो है उसके सारे कंटेंट महत्वपूर्ण है कि हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर चुके रौलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। तो सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 2 विधेयक तैयार किए जिसे रौलेट बिल नाम दिया गया। तो ये सही है, एक कमेटी बनाई गई थी जो है, जो उस समय भारत में, भारत के क्रांतिकारियों में जो राष्ट्रवादी भावना उभर रही थी उसको दबाने के लिए, अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। तो उसने 2 विधेयक की सिफारिश की, लेकिन इसमें से एक ही विधेयक पारित हो चुका था, हो पाया था, जिसको जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और बाकी एक विधेयक को क्या कहते हैं, जो भारतीय सदस्य थे उन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा का मतलब यह है कि जैसे आज लोकसभा है, ऐसे उस समय केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, तो उसको जो है विरोध के कारण वो पारित नहीं हो पाया था। और रौलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील व्याख्यायित किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा भी गठित की, ये भी सही है। इस एक्ट के विरोध स्वरूप 1 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया। तो ये 1 अप्रैल 1919 को नहीं हड़ताल का आह्वान किया था, ये 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। और साथ ही 1920 में सत्याग्रह का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभाओं की भी स्थापना की।